सुपरमैन मॉम वर्सेस सन। सो इस वक्त अभी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए और आपको साथ लेके चलती हूँ। थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वही पॉइंट है जिस पे हमेशा मैं आके भूल जाती हूँ कि मेरी गाड़ी कहाँ पार्क है। हाँ, ये रही। आज मैं अम्मी को भी साथ लेके जा रही हूँ। चले जी, आज आप चलें मेरे साथ ईद की शॉपिंग के लिए। रोजे में क्या दोबारा बोले? रोजे में बाजार बाजार ले जा रही है। तो ये जुल्म है अभी आप पर? तो ऐसे ही कह रही है। अभी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए अम्मी के साथ और हरीम के साथ और भाभी के साथ। फिर हमें आगे वापस इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। देखते हैं आज हम इफ्तारी में क्या बनाते हैं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना और हरीम का ड्रेस कलेक्ट किया टेलर से, जो कि बहुत ही प्यारा उसने स्टिच किया था। ये आप देख सकते हैं, ये हरीम का वही गरारा है जो कि मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इसका फैब्रिक और लेसेस सब दिखा चुकी हूँ मैं। तो ये बहुत ही प्यारा टेलर ने स्टिच किया था। और ये मेरा ड्रेस भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा स्टिच किया। हरीम के ड्रेस के दुपट्टे पे भी इन्होंने बहुत ही प्यारी लेस लगाई और बहुत ही सफाई से काम किया, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हरीम का ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। ड्रेस कलेक्ट करके फिर मैंने बाकी की शॉपिंग की, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हाँ, पहले इसमें चलते हैं। देखो जी, देखो आराम से ले लो, अभी इतना रश नहीं है कस्टमर का। वीडियो बनाना मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अपना दुकान समझ लो। अच्छा, बस हाँ, मैंने कहा ये नहीं कि रोक दें कि नहीं भाई। अगर आप खुशी से 5 दिरहम दोगे वो अलग बात। अच्छा, वीडियो बनाने के अगर देना है वो हाँ, सारी सेम वैसी आई हुई। अक्षिम भाभी वैसी ही है ना जैसे लास्ट टाइम थी? देखिए हम इस तरफ आए। मम्मी आप भी अपने लिए पसंद कर लें कोई। ईद के हिसाब से सैंडल्स बहुत ही अच्छी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। ये चेन वाली भी है यहाँ पर। चलिए हरीम, आप अपने लिए ये वाली देखो। हरीम आप अपने लिए ये वाली उठाओ, ये देखो। छोटा हील बड़ा। हाँ छोटा हील है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें, ये पहन के देखो, ये बहुत प्यारी लग रही है। हरीम बैलेंस हो रहा है? अरे ये वाली देखो, ये देखो, इसकी भी लगता है हील बहुत है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी है लेकिन इसकी हील बहुत है। अब मेरे ड्रेस के साथ हरीम, जो मेरा ड्रेस है ईद का, वैसे ही कलर है ना ये? क्या नंबर है? 39। लेट मी ट्राई, एक मिनट। ये मेरा पाँव कट गया है अभी सडनली आते हुए। मतलब हील बहुत है यार इसकी, लेकिन है बहुत अच्छा, मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है ये। वाला मैंने तो फाइनल कर दिया है, अब जो है हरीम का देखना है। वैसे तो ये कलर भी अच्छा लग रहा है और वो भी अच्छा लग रहा है, बट ड्रेस मेरा ग्रे है और उसका ट्राउज़र जो है वो थोड़ा टी पिंक कलर का है। तो अभी मैं ये वाला लेके जा रही हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छा लगा देन आई विल चेंज विद दिस कलर, लेट्स सी।
तो यहाँ से मेरी शॉपिंग हो गई है, मैंने ये वाले शूज़ ले लिए हैं अपने। शॉप का नाम है मैराथन, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, तो अगर आपको आना है, विज़िट करना है तो आप आ सकते हैं। ईद के शूज़ स्पेशली हम लोग यहीं पे आके लेते हैं। देखो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है हरीम, ये वाला हरीम, ये वाला देखो, ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाले। हाँ ये भी अच्छा है, ये वाले वो कपड़ों में निकालते हैं। हाँ देखो पहनो पहनो इसका हरीम, वो वाला कलर अच्छा है। हाँ ये वाला अच्छा है देखो। हाँ ये भी ये पिंक कलर उठाओ, इट्स नाइस फॉर गर्ल्स, गर्ली गर्ली। हाँ मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है। हम आए थे ईद के शूज़ लेने के लिए और जो मेरी बेटी है ना वो जरा वो हो गई कि मुझे ये भी चाहिए। हाँ बेल्ट बेल्ट भी है, ठीक है। इट हैज सम दिस कचरा थिंग दैट वी गेट फॉर फ्री। हाँ ये बेल्ट हो गया, ठीक है। इसी मुझे अच्छा लग रहा है रिंग, चाची को दिखाओ क्योंकि फैंस अच्छा लग रहा है ना पर्स साइड जीन्स के साथ लेने के लिए, है ना। ये कलर देखें इसका, ये कलर अच्छा है या वो वाला ब्लैक वाला अच्छा है? ये कलर रखे हैं सारे, ब्लैक यही अच्छा लग रहा है ना, बस हरीम ले लो, बड़ा बच्चा ले लो। लेकिन कोई और पैकेज नहीं है मास्टर? हाँ न्यू पीस निकाल के देगा, आप दिखाओ उसको। हाँ ले लो, हरीम ले लो अपना शॉपर और आ जाओ। थैंक यू। दिखाएं इस पे चेन है, कुछ है अंदर, बेल्ट वगैरह है? ये देखें ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं पर्सेस, ये भी बहुत स्मार्ट लग रहा है वाइट। हमने क्या काम किया, ये हरीम का झुमका जो है ना, इतना हल्का था ये तो, ये था झुमका रियल, ठीक है। और ये हो गया बेचारा शहीद, ये आप देख सकते हैं टूट गया ये बेचारा, और ये हो रहा था बहुत अच्छा मैच, ये इसकी दादी माँ लेकर आई थी। और अभी हम लोगों ने क्या किया है, जुगाड़ कहते हैं ना इसको, हरीम इधर आओ जल्दी। ये हरीम ने आइडिया दिया है कि मम्मा आप ये वाली बाली ले लें, और उसमें हमने ये डाला है यही वाला झुमका, और ये देखें हरीम का झुमका रेडी है। बड़ा नहीं है, हाँ तो छोटा वाला देख लो, छोटा रिंग देख लो इसका, ये रिंग छोटा है ना, बना दिया हमने खुद ही जो है ना, बना दिया है झुमका ये। वाह मैंने अपनी भाभी से पूछा ये वाले इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं या ये वाले, तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी है मुझे। कहती हैं टाइटैनिक में क्या था, जैक जैक ये उससे मैच कर रहे हैं, जिसने पेंडेंट पहना हुआ होता है। गुड जोक। तो मैं यही वाले लेने लगी हूँ। मैं आयत के लिए लूँ, ये आयत के लिए चाहिए। हाँ अरे ये अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है, ये रखी है ना मैम ने, साइज देख रहे हैं ना? ये मैंने आपके लिए नहीं रखी, आप अपना साइज देखो पहले। शूज की शॉपिंग हो गई है, अब हम ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छी लग रही है मुझे ये वाली रिंग। प्राइस सही करेंगे ना आप? हाँ यस हरी में उतारो, ये रखो यहाँ पे, पहनाओ ये वाली अंगूठी, ये वाली पहनाओ, ये मेरी यहाँ पहनाओ। ये वाली कितने की? ये वाला 30,000। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना। वो एक और है पूरा उसके साथ, वो नहीं अच्छा लग रहा ना, ये अच्छे लग रहे हैं ना। हम्म
एक ये हो गया, पर प्राइस भाई सही लगाइएगा, ये हो गया, ये हो गया हरीम की बाली हो गया। अच्छा मुझे बताओ ये आप कितने की दे रहे हो? ये वाला 15 दिरहम का। ये वाला? ये भी सेम प्राइस 15 दिरहम का। और ये वाला? ये 15 का। भाई 10-10 लगा के दो मुझे और मैं सब चीजें मैं सब आपसे लूंगी। देखो हरीम मेरे हाथ में पहनाओ ये वाली, ये मुझे पहनाओ एक मिनट, ये अपने सिल्वर सूट के साथ ये वाली रिंग में पहनाओ। हाय मेरी अंगूठियां अच्छी लग रही है। इसमें थोड़ा ये भी एडजस्टेबल है, ये वाली ये कितने की है? ये 45 है। ओह माय गॉड, ये कितना लगाया? ये भी 10 का। हाँ 10 का। ये 5 का बोला मुझे इसलिए मैं 2 उठा रही थी, भाई ने बोला जब भी तो उठाया मैंने। इसकी बड़ी वाली भी मैंने उठाई। हाँ मैडम अंदेचा तो हरीम और मेरी शॉपिंग हो गई है ना हरीम? हैप्पी? शूज भी ले लिए हैं, ज्वेलरी भी हो गई है और अब हम जाएंगे घर और इफ्तारी की तैयारी करेंगे, बाहर से इफ्तारी करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम, आई एम हंग्री। रोज़ा लग रहा है, बैठ गए लो गाड़ी में आ जाओ। आज हम इफ्तारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सच में। तो हम आए हैं यहाँ पर, चिलीज आए हैं हम इफ्तारी करने। लास्ट टाइम तो वहाँ बैठे थे। ये भी अच्छी जगह है। हाँ ये भी अच्छी जगह है, ये भी खूबसूरत है, वो वाली जगह भी अच्छी है। अम्मी यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं। पूरा खाली ही खाली है, मैं इधर बैठती चिली। चिलीज अपने स्टेक्स की वजह से काफ़ी फेमस है और हमने ये वाला स्टेक ऑर्डर किया था जो कि मैं आपको अभी पिक्चर में दिखा रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस था। और इसके साथ हमने नैचोस भी इसके ट्राई किए, वो भी बहुत डिलीशियस थे। और एक प्लेटर भी हमने ऑर्डर किया था, वो है अल्टीमेट बारबेक्यू प्लेटर जो कि मैं अभी आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये भी बहुत डिलीशियस था। तो अगर आप जाएँ तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। Thank you.
बहुत ही मज़ेदार खाना था, मज़ा आया। अभी हमने चिली में इफ्तारी इंजॉय की है, उसके बाद हम जैनन की चाय इंजॉय कर रहे हैं। आज फुल डे आउट अम्मी के साथ। अम्मी चाय कैसी है? टेस्टी, अच्छी मज़ेदार चाय है। गुलगुले की गुंजाइश निश्ता किधर है? मुझसे पूछे ना। चाय पीते पीते हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चांद नज़र आ जाएगा और फ्राइडे की ईद हो जाएगी, लेकिन फिर अनाउंस हो गया यहाँ पे यूएई में कि ईद है, और बस फिर फटाफट जो है वो ईद की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई। चांद रात की सबसे पहले ईदी जो है उसकी तैयारी शुरू हुई। ईद के नाश्ते के लिए दिल रेडी है, मज़ेदार मसालेदार दिल ये आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ छोटी ईद पर स्पेशली मेरे ससुराल में दिस इज़ अ ट्रेंड कि ब्रेकफास्ट में दिल, कलेजी, शीर कोरमा, शामी कबाब और पराठे होते हैं। तो दिल मैंने बना लिए हैं और सुबह हम इसके साथ करेंगे नाश्ता मज़ेदार सा। तो ये रेडी है, अब सुबह मैं इसके ऊपर डालूँगी हरा धनिया और अदरक सर्व करते हुए। और अभी इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मुझे अभी हरीम की मेहंदी भी लगानी है, काफ़ी देर हो गई है। तो ये रेडी है, चूल्हा करती हूँ बंद और मज़ेदार मसालेदार दिल जो है वो रेडी है। यम यम, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ओए होए 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 होए, वाह, सुपरमैन मॉम वर्सेस सन। सो माय ब्यूटीफुल डियर्स, चांद रात की तैयारियाँ। तो ये जो है मैंने अभी इस वक्त जो है मास्क अप्लाई किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इधर मिरर में देखूं या मैं इधर देखूं, आई डोंट नो। बट ये मैंने घर का एक स्क्रब बनाया है, जो आपने लेनी है शुगर 1 टेबल स्पून और उसमें आपने ऐड करना है 1/2 टीस्पून हनी और थोड़ा सा रोज़ वाटर। आपने उसको बहुत लिक्विडी नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रख कर आपने उसको मुंह पे अप्लाई करना है। बहुत हार्श अप्लाई नहीं करना है, विथ वेरी सॉफ्ट हैंड्स आपने उसको अप्लाई करना है। और ज़ाहिर है वाइट हेड्स आपके होते हैं नोज़ पे, चिन पे और अगर आपके फॉरहेड्स पे हैं, बस उन एरियाज़ को आप अच्छे से स्क्रब करें। इट्स अ होममेड स्क्रब जो कि मैं पिछले आई थिंक 7 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ या 8 ईयर्स से, क्योंकि जो बाकी ब्रांडेड स्क्रब्स आते हैं मुझे कोई भी सूट नहीं करते हैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ और क्लिंजिंग भी नहीं करती मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो फेशियल, नो क्लिंजिंग, नो स्टीम। बस वो स्क्रब से मैं अपना फेस स्क्रब करती हूँ, नो स्ट्रिप यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे ब्लैक हेड्स नहीं हैं, सिर्फ वाइट हेड्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं। और उसके बाद फिर मैं फेस मास्क लगाती हूँ। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो पहले स्क्रब करें फिर नो स्ट्रिप लगाएं, या पहले नो स्ट्रिप फेस अच्छे से वॉश कर लें, नो स्ट्रिप लगाएं और नो स्ट्रिप्स के बाद अगर कोई वाइट हेड्स रह जाते हैं तो फिर आप अपना मुंह स्क्रब करें और उसके बाद आप मास्क लगाएं। हर किसी का अलग तरीका होता है जो कि उनको सूट करता है, तो मुझे जो है वो ये वाला तरीका सूट करता है जो कि मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसी तरह करती हूँ। तो चांद रात की तैयारी में ये वाली तैयारी भी इंक्लूडेड है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद जो है वो सैटरडे को हो। मैं दुआ भी यही कर रही थी बिकॉज ऑफ स्कूल आई वॉज सो बिज़ी, उसमें फिर पेरेंट टीचर मीटिंग थी, बहुत ही बिजी स्केड्यूल था। तो लेकिन एनी हाउ आज चांद रात है और फटाफट हमने जो है तैयारी कर ली, तैयारी हुई भी थी बट आपको पता है कि एंड मौके पर भी तैयारियाँ रह जाती हैं। अभी इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं
और सुबह के नाश्ते की मैंने तैयारी की, प्लस क्लीनिंग की घर की, प्लस थोड़ा सा अपना टचअप किया। और उसके बाद अब बारी है हरीम की मेहंदी लगाने की, सबसे लास्ट स्टेप। तो अब मैं अब जा रही हूँ इसी मास्क के साथ हरीम की मेहंदी लगाने, और फिर मैं आपसे कल के सारे क्लिप्स शेयर करूँगी। देखते रहिएगा। सुपरमैन लेडी विथ येलो मास्क। मेरी सुंदरता का राज येलो मास्क। बट ये वाला मास्क जो है वो होममेड नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है न्यूट्रोजेना का सूदिंग क्लियर मास्क। ये आपको मिरर इमेज में नज़र आ रहा होगा, आई थिंक सो, यस। तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला मास्क मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसी की एक क्रीम भी आती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये वाला मास्क मैं यूज़ करती हूँ। ये टाइनी माइनी सा इसलिए है बिकॉज मैं ज़्यादा मास्क और फेशियल नहीं करती, ठीक है। तो ये मेरी टिप है जो कि मैं अप्लाई करती हूँ। आप यूज़ करते कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे डेली व्लॉगर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ फ़ौरन से जाके लाइक, वो कहते हैं ना घंटी का बटन दबाएं, टिंग, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। ये इस वक्त टाइम हो रहे हैं 4:30 और हमारा चल रहा है मेहंदी सेशन। आप ये देखें, ये एक हाथ लग चुका है। वाओ, हरीम अपना दिखाओ बेटे हाथ। हरीम तेरा खाली खाली लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिल कर दूंगी। कल तक के लिए बुशरा को इजाज़त दें, मैं फिर आती हूँ। ईद की तैयारी या तैयार हुई भी जो होंगी उसके साथ, ठीक है। कल का हमारा फंक्शन बहुत अच्छा आने वाला है। हमारी बहुत ही बेहतरीन जो है वो पार्टी हमने अरेंज की है अपनी भाभी के घर में। है कंबाइंड पार्टी मेरी और भाभी की तरफ से अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को, और फिर कल मिलते हैं। वैसे मास्क में बात नहीं करनी चाहिए। कल मिलती हूँ, मीन्स इसी वीडियो में कल की तैयारी के साथ मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।